स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 22 आई है, तो ये दो पार्ट में आई है। एक आपकी हिंदी आई है और एक आपकी EVS आई है। ठीक है, तो मैं दोनों बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। जब आप क्लास लिखेंगे तो अपने सेक्शन को भी लिख लेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ राग की रस्सी में पढ़ा कि लड़की ने अपनी समझदारी से लोन पोगार के बेटे की मदद की। एक कहानी आपने कक्षा 3 में भी पढ़ी थी, बहादुर बित्तू, याद है आपको? ऐसे ही और कई कहानियां आपने पढ़ी या सुनी होंगी जिसमें समझदारी और बहादुरी के किस्से होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों से मेल खाते शब्दों को शब्द पट्टी से छाट कर नीचे आपको लिखना है। जैसे कि बच्चा, है ना। अब बच्चे को हम लोग क्या क्या कहते हैं? शिशु भी कहते हैं, बालक भी कहते हैं, है ना। इसी तरह से क्या है ये, लड़की। अब लड़की को हम लोग क्या कहते हैं? लड़की को हम लोग पुत्री भी कहते हैं और लड़की को हम लोग बेटी भी कहते हैं, है ना। तो आप यहाँ लिख लीजिए, पुत्री और बेटी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, बेटा। तो अब बेटे को हम लोग क्या क्या कहते हैं? बेटे को हम लोग पुत्र कहते हैं, पा में ऊ की मात्रा, ता पुत्र, ये लिखा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं? बालक तो हो गया, इसे हम लोग बोल सकते हैं सूत। ठीक है, तो आप लिख लिए सूत। इसके बाद लिखा है मदद। मदद का मतलब क्या होता है? सहायता करना या सहयोग करना। तो आप ये लिख लेंगे सहायता, स ह हमें आकरंडा, य ता हमें आकरंडा, सहायता। ये आप लिख लेंगे सहयोग, स ह या म्यों की मात्रा का। ठीक है ना, कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ से बस आपको यही करना था। आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है, बच्चों एक लड़की रानी कक्षा 5वीं में पढ़ती है। उसके अध्यापिका ने उसे राग की रस्सी पाठ पढ़ते हुए पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया कि क्या बताया? कि समानार्थ वाले शब्द, यानी वो शब्द जिनका अर्थ समान निकलता है, उनको हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, रीना के द्वारा लिखे गए गद्यांश में कुछ शब्द मिट गए हैं। तो चलिए अब आपको क्या करना है, क्या आप इन शब्दों की सही जगह पर लिख सकते हैं और उसको गद्यांश को पूरा करने में रीना की मदद कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग रीना की मदद कर देते हैं जल्दी से। अब देखिए, यहाँ लिखा है पेड़, व्याघ्र, पानी, जंगल और रात। ठीक है, आगे चलते हैं। एक राजकुमारी को घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वे, अब वन का क्या हो जाएगा, आपका वन का हो जाएगा पर्यायवाची जंगल। ठीक है, एक दिन वे जंगल में बाघ का पर्यायवाची, अब बाघ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, व्याघ्र। ठीक है, लिखेंगे कि बच्चे का पीछा करती हुई खो गई, रास्ते में उसे एक चमकता हुआ वृक्ष, तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पेड़। ठीक है, लिख लेंगे, दिखाई दिया, उसने सोचा कि वे वहाँ बैठ कर, जल, जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पानी, पी ले और थोड़ा आराम भी कर ले। वे आराम करते हुए वहाँ आराम करते हुए उसे नींद आ गई और जब उसकी आँख खुली तब वे, तो क्या हो जाएगा, रात्रि का पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा, रात, है ना, रात हो चुकी थी। लिख लेंगे आसानी से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, है ना। तो पहले में क्या आएगा, जंगल, दूसरे में क्या आएगा आपका, जल्दी से बताइए, व्याघ्र, तीसरे में आपका पेड़, चौथे में आपका पानी, पांचवे में आपका रात। ठीक है, इस तरह से आप सारे लिख सकते हैं और ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो कहते हैं बच्चों बताइए आपने आज क्या क्या सीखा। तो आज हमने नई नई सीखी आज हमने पर्यायवाची शब्दों को जाना कि पर्यायवाची शब्द किन्हें कहा जाता है और इनका दूसरा नाम समानार्थी शब्द है, है ना। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।